सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं ऐसे वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आज मतलब मैं अपने एक ड्रीम के मतलब मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ अपनी मतलब मुझे जो खुशी महसूस हुई ना, वो आप लोग के साथ में शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो शायद से आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि ये वीडियो है ही कुछ ऐसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आज की वीडियो है एक कैमरे पे, और वो कैमरा है मेरा, और वो कैमरा है M50 Mark II। आप लोग को देखना है, चलो दिखाते हैं। ये रहा वो कैमरा। तो इसके लिए मैं इतनी खुश हूँ यार, मतलब ना मैं बचपन से, मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वाला कैमरा हो जिससे मैं बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करूँ। आप लोगों को भी पता होगा मुझे फ़ोटो का बहुत शौक है, क्योंकि मैं व्लॉग भी लाती रहती हूँ इसकी, और मेरा इंस्टा भी आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियोज़ फ़ोटोज़ की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब स्टार्टिंग से ही है, बट अब आया ये मेरे पास, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं अपने बर्थडे व्लॉग पे मैं छोटा सा क्लिप दी थी इसका, बट इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं था वो, बट मेरी जो खुशी थी ना वो इतनी छोटे से मैं क्लिप में नहीं ख़त्म हो रही थी, तो मुझे ये वाला वीडियो स्पेशली लाना था। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए भी होगा, क्योंकि जो भी कैमरा लेने वाले हैं या इस कैमरे के बारे में सोच रहे, क्योंकि ये लेटेस्ट है, अभी 2 साल पहले ही आया है, 2020 के एंडिंग में आया, तो बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड पर है ये। तो इसलिए मैं भी इसलिए इसको ली हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं और भी चीज़ें देखी सुनी, तो फिर देखी मैं इसको, तो सच में ये बेस्ट है, बेस्ट। इसलिए भी मैं सोची कि इस पर एक मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी जो होगी आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव। कैमरे के बारे में बात कर लेते, मेरी खुशी को थोड़ा साइड रख के। तो चलो, तो सबसे पहले तो इसकी खासियत है कि ये मिररलेस है, और दूसरा कि अभी जो भी ब्लॉगर है न्यू या जो भी कैमरे पे ब्लॉग शूट मतलब शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम इसको यहाँ से ऐसे ओपन करके, मतलब ये हम ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे समझाऊँ, ये हम ऐसे करके देख सकते हैं कि हम आ कैसे रहे। सो ये इसकी बेस्ट चीज़ है कि हम खुद को देख सकते हैं ब्लॉग करते हुए, तो समझ सकते हो ये एक व्लॉगर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कैमरे पे व्लॉग शूट करना, क्वालिटी और हर चीज़ बहुत बेस्ट आता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कैमरे पे शिफ्ट करूँ, तो बहुत टाइम से सोच रही थी बट मैं ले नहीं पा रही थी, बट फाइनली मुझे मेरे बर्थडे पे पापा ने गिफ्ट किया है, तो भले भले। तो ये बहुत मतलब कैमरा क्वालिटी, तो मैं अभी आप लोग को दिखा दूँगी एक दो फोटो क्लिक करके। अभी मतलब ऐसा अंधेरा सा हो गया रूम में, बिल्कुल लाइट नहीं है, एक रिंग लाइट है जो कि मैं ऑफ करके रहूँगी, क्योंकि ये इतना नीचे लाइट देगा नहीं, तो इसे जब मैं ऑफ करके आप लोगों को क्वालिटी चेक कराऊंगी, और मेरे बर्थडे पे भी मैं कुछ फोटो दूँगी उसकी भी क्वालिटी चेक कराऊंगी, रुक जाओ थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो ये एक मिररलेस कैमरा है, दूसरा कि हम व्लॉग इससे बहुत सही शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद को, और दूसरी चीज़ कि हमारा इससे फ़ोटो लेने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हम फोटो लेते हैं तो हमें ये ऐसे करके चेक करना पड़ता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। आप इंस्टेंट में यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोटो कैसी आ रही है, मैं ये भी करके दिखा दूँगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे मे भी समझ आए नहीं आए, मे भी मेरे एक्सप्लेनेशन में क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए नो डाउट मैं एक बार करके दिखाऊंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरा मैं बहुत टाइम लेती हूँ, तो आगे वाला ऐसे करते रखना मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत सही चीज़ है कि देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आँख में इतना प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी टाइम के बाद एक आँख से ऐसे देखें ना तो आँख वाली दुखने लगती है कंटिन्यू फोटो लेने से, तो ये ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे देख के नॉर्मली क्लिक कर सकते हैं, ये बेस्ट चीज़ है। और एक चीज़ कि हम इसको अपने फ़ोन से हैंडल कर सकते हैं, मतलब हम अपने फ़ोन से इसकी सेटिंग वेटिंग सब चीज़ कर सकते हैं, तो ये दूसरी बेस्ट चीज़ है। सो गाइस, दूसरी चीज़ कि इसका एक ऐप आता है कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप है, उससे आप वाईफाई से, ब्लूटूथ से, किसी से भी इसे कनेक्ट करके इजीली फ़ोटो अपने फ़ोन में ले सकते हो। तो और जो कैमरा होते हैं और जो DSLR होते हैं कैमरा होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमें पहले मेमोरी कार्ड को निकालना पड़ता है, देन उसको कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कनेक्ट करके इजीली ले लो, और आपके फ़ोन से भी ये चीज़ हैंडल हो सकती है, तो कैमरा सेटिंग फ़ोन से भी हैंडल हो सकता है, तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है, इतना मुझे वो नहीं करना पड़ेगा निकाल कर ये करके वो करके, इजीली मैं बार बार क्लिक करके ले सकती हूँ, क्योंकि मैं बार बार हर 2-3 दिन पे फोटो क्लिक करते रहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी है, और जो भी ऐसा करते हैं उन सबके लिए, मतलब मुझे लगता है सभी के लिए बहुत सही चीज़ है ये चीज़ कि तुरंत ले लो, तुरंत कर लो, बार बार मेमोरी निकालने का झंझट नहीं। और मेरे साथ एक चीज़ ख़राब हुई कि पापा लेने गए थे और भाई लेने गया था, तो उनको मतलब वो 64 GB का मेमोरी कार्ड लेकर आया,
जिसमें मुझे थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम कर रहा है, ये फस फस की हो रही है, वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छा वाला मेमोरी कार्ड चाहिए होगा, तो वो मैं ऑर्डर करूँगी आजकल। मैं देख रही हूँ, मैं भी उसके बारे में डिटेल एक बार चेक कर लूँगी, उसके बाद में ऑर्डर करूँगी ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ आप लोग जब भी लो तो ये देख लेना कि मेमोरी कार्ड सही लो, अगर वीडियो भी लेना है आप लोग को। तो मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ अभी तक इससे, तो फोटोज़ जितनी मर्जी। और हाँ, इसका बैटरी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका बैटरी अगर आप देखो, जहाँ तक मुझे पता है, मैं फ़ोटोशूट कराती हूँ तो तुरंत मतलब 4-5 पोज तुरंत तुरंत दे दोगे आप, लेकिन काफ़ी टाइम 4-5 फोटोज़ के बाद लोकेशन चेंज करनी होती है, कैमरा ऑन करके ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप हार्डली 90-100 फ़ोटो निकाल सकते हो सिर्फ फ़ोटो। वीडियो करोगे तो जल्दी डाउन होगा, 50 फ़ोटो एंड 20-10 वीडियो, अगर टाइम लेके करते हो तो उससे भी कम फ़ोटो और वीडियो, ठीक है। तो कैमरा का बैटरी उतना अच्छा नहीं है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो करने हैं तो 2 बैटरी आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ 1 बैटरी में काम चल जाएगा। अगर आप बहुत कम फ़ोटो क्लिक कराते हो और इतना लोकेशन चेंज नहीं करते, कैमरा ऑन करके डिस्कशन नहीं करते हो उतना, सिर्फ फोटो, तो वो चीज़ के लिए बेस्ट है, निकाल सकते हो 120-150 निकाल सकते हो, हार्डली 50। मुझे लगता है कि 100 में हो जाएगा काम इसका ख़त्म, क्योंकि मेरे बर्थडे में हुआ था ये चीज़, मैं नोटिस की हूँ और उसके बाद में मैं नोटिस की हूँ। तो कैमरा का बैटरी उतना अच्छा नहीं है, बैटरी को 2 रखने पड़ेंगे, बाकी किसी चीज़ में मैं कंप्लेन कर ही नहीं सकती, सब कुछ बहुत सही है। और दूसरी चीज़ कि इसके बारे में मुझे और भी कुछ चीज़ें शेयर करनी है, जो मुझे लगा एक मतलब मुझे पर्सनली जो चीज़ लगा वो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, एक बार देखना ज़रूर। ये बस डालने के 2-3 दिन 4 दिन के बाद मैं उसको लेकर आऊँगी, ठीक है, तो वो देखना भूलना मत, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। कैमरा ये हर एंगल से अच्छा है, बस उसमें मैं बताऊँगी इसको क्यों नहीं लेना चाहिए। अब जो मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो सोचो मैं क्यों बोलूँगी कि इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, एक भी मतलब मैं इसमें एक भी कमी नहीं निकाल सकती मेरे तरफ से। आप मतलब इतनी सारी तारीफें सुन के आप भी नहीं निकाल सकते, तो मुझे ऐसा लगता है। बट इसके बावजूद भी मैं बोलूँगी कैमरा अगर लेना हो तो ये वाला मत लेना, इसके नीचे का कोई भी ले लेना, बट ये लेटेस्ट वाला मत लेना। इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी के लिए कैमरा यार मतलब मेरे लिए तो रानी राजा सब है ये मेरा, तो बहुत टाइम से ये मुझे चाहिए था, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो इसको मैं बंद करती हूँ और आप लोग को एक बार इसका वो दिखा देती हूँ मैं, मतलब पूरा सिनेमैटिक वीडियो के साथ फ़ोटो क्लिक करके भी दिखाती हूँ कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, कैसे मतलब क्या क्वालिटी दे रहा है कैमरा अभी इस टोन में, इसमें। बाहर का तो छोड़ ही दो आप, बाहर का मैं आपको किसी और दिन करके दिखाऊंगी, प्रॉपर मेरी वीडियो फोटो सब देख के दिखाऊंगी आपको। अभी मैं अंदर एक क्लिक करके दिखा देती हूँ कैसा आ रहा है, क्वालिटी कैसा दे रहा है, कैसे कैप्चर कर रहा है, ये दिखाती हूँ आपको। चलो सो गाइस, ये रहा मेरा कैमरा। तो मुझे कैमरा का सिनेमैटिक शॉट देना था, तो ये देखो जो मैं रिकॉर्ड की हूँ। और मुझे कैमरा के साथ एक लेंस मिला है 45mm का, जो कि देख सकते हो आप। और मेरा कैमरा मेगापिक्सल है 24, जो कि बहुत सही मुझे फ़ोटो क्वालिटी मिल रही है इस कैमरे से। आगे मैं फ़ोटो क्वालिटी भी आप लोगों को चेक कराऊंगी, डिटेलिंग देखना फ़ोटो की, तो आगे वीडियो में आपको फ़ोटो क्वालिटी चेक कराऊंगी मैं लाइव करके, फ़ोटोशूट किसी कैमरे मतलब किसी मेरे डॉक्टर ही करके दिखाऊंगी, तो वही रहता है मेरे आसपास। तो फोटो क्वालिटी चेक करो और वीडियो भी इंजॉय करो, और अगर आप भी कैमरा लेने वाले तो ये वीडियो को पूरा देखना। और कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैमरा क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी, बस इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो में। तो आगे आने वाली मेरी वीडियो मेरी ज़रूर से देखना, बहुत ज़रूरी है वो वीडियो, तो देखना एक बार। सो आप लोग अभी के लिए ये वाली वीडियो इंजॉय करो। सो गाइज, आप लोग क्वालिटी देख सकते हो कैमरा की, बहुत ऑसम है, देख लो मतलब मेरे आई शेडो जो थोड़ी सी इधर उधर बिखर रही है ना, वो भी आ रही, तो नो डाउट कैमरा बहुत सही है, बहुत सही। अगर मतलब मेरे वीडियो से आप लोग को समझ में नहीं आता तो लेने से पहले किसी और का रिव्यू देख लेना, बहुत ऑसम है कैमरा, बहुत ऑसम। मैं और फेस नहीं दिखा रही क्योंकि समझ सकते हो, इतने ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो मेरा पाउडर भी नज़र आ जाएगा। सो ये रही फोटो, देख सकते हो, इसीलिए मैं अपना एक बर्थडे वाला फ़ोटो ओपन करके दिखा दी कि अगर कुछ मतलब देख लो। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कैमरा मतलब आप फ़ोन से अपने हैंडल कर सकते हो और फोटोज़ मत देखो फिलहाल। तो चलो इतना ही बताना था इसके बारे में, सिनेमैटिक शॉट देख लिया आप लोगों ने, नो डाउट कैमरा बहुत सही है, तो लेना चाहो तो ये ले सकते हो, बहुत
सेक्सी लगता है, मतलब देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, मेरा ड्रीम है ये, ड्रीम। तो चलो मैक्स से फोटो लेते हैं। ये देखो क्या ही मस्त फोटो आई है। वेट, हिलाओ मत कैमरा। कितना मासूम लग रहा है मेरा बच्चा। ये कैमरा का कमाल है मैक्स। यार इसकी हेयर देखो ना कितनी स्मूथ आई है। जस्ट वेट वन मोर क्लिक। ब्रो बताया जा रहा है सेट कर रहा है बटा दे रहा है क्या मस्त है। सो गाइज वन मोर क्लिक, देखो क्या सही फोटो आई है। मतलब फोटो क्वालिटी चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, मैं इसलिए तुरंत क्लिक करके दिखा रही हूँ। ये नाक में देखो, इसकी आंखें देखो। सो समझ गए होगे आप लोग फोटो क्वालिटी देख लो। एक बार मैं मेरे फ़ोन का फ्लैश ऑफ करके भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है? तो चेक कर लो आप फ़ोन का फ्लैश ऑफ करके ऑन करो। सो ये रही, देख लो बहुत हार्ड आ रही है फ़ोटो। मेरी और भी फ़ोटोज़ है जो कि मैं दिखा चुकी हूँ आपको। ये मतलब मेरे रूम में अभी एक लाइट नहीं ऑन है, बस कैमरे का फ्लैश ऑन था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो क्वालिटी चेक कर सकते हो आप लोग, और दिन की फ़ोटो तो और भी अच्छी आती है। दिन की फ़ोटो फ़िलहाल मेरे पास अभी है नहीं, मैं कैमरे से डिलीट कर चुकी हूँ, फ़ोन में है। तो मैं दिखा दूँगी वो भी, एक उस पर प्रॉपर वीडियो आएगी, मैं लेकर आऊँगी। तो चलो फ़ोटो बहुत सही लगेगी। मैक्स में रैंडम क्लिक की थी लेकिन बहुत सही आ गई है, आइस प्यारी लग रही है इसकी। तो चलो देखो। सो गाइस जैसा कि आप लोग इसकी सेटिंग देखें, तो बताना वीडियो कैसी लगी। मेरे तरफ से मैंने जो चीज़ें देखी जो समझी वो आप लोग के साथ शेयर की। मे भी आप लोग के लिए भी इन्फॉर्मेटिक होगा ये सारी चीज़ें। अगर अभी तक आप किसी कैमरे की वीडियो नहीं देखे हो तो अब देखोगे इसके बारे में जाकर। अगर मेरी वीडियो नहीं भी समझ आई तो मुझे रिव्यू करना नहीं आता, बट इसके साथ तो मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, मुझे करना था। मेरा मतलब मेरा ऐसे ड्रीम कंप्लीट हुआ ना, तो वो चीज़ मैं आया नहीं आया, बट मुझे करना था। करते करते इंसान को आता है, बट मैं इसका रिव्यू नहीं करती। बट मेरे हिसाब से जो इसकी बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी, और मैं इसको क्यों ली, बस ये आपके साथ शेयर करी थी। तो अगर आप लोग भी कभी लो तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अभी के टाइम में तो होनी चाहिए। क्योंकि पहले के कैमरेज में क्या होता है कि हमें मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, फ़ोटो निकालो ये करो वो करो। तो इसके साथ वो नहीं है, इंस्टेंट में आप कर सकते हो। अभी फ़ोटो क्लिक कराओ, 10 मिनट के बाद आओ, फ़ोन से कनेक्ट करो, फ़ोटो लो, आ गया फ़ोन में। तो इतना निकालने वकालने का झंझट नहीं है, मेमोरी का ऐसे ही आपका नॉर्मली हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि मैं खुद को देख सकती हूँ व्लॉग करते हुए, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या एंगल आ रहा नहीं आ रहा, लाइट वाइट सब कुछ हो सकता है। तो ये इससे मुझे बेस्ट लगा। तो आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, मैं जल्दी लेकर आऊँगी, वो बहुत बेस्ट वीडियो होगी। इस ये मुझे नहीं पता कैसी बनी, बस मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आप लोग को बता दी। तो वो वाली वीडियो सच में अच्छी होगी, तो देखना जब आए वो चैनल पर। तो चलो अभी के लिए बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।